Hey guys, welcome to my channel Art of Dream. This is the second video on brooches. So let's start. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, वाइट रिबन, सीजर, लाइटर एंड सेफ्टी पिंस एंड फैब्रिक ग्लू। पहले हम वाइट रिबन लेंगे और इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा रिबन है उसे हम कट करके निकाल देंगे। कट करने के बाद हम रिबन को यहाँ पे इक्वल करके इसको नीचे से ट्रायंगल कटिंग देंगे। कटिंग देने के बाद हम लाइटर यूज़ करेंगे और इससे हम इस कटिंग को यहाँ पे लॉक कर देंगे ताकि इससे यहाँ से हमारा रिबन पूरा ख़राब ना हो जाए खुल के। अब हम इसे फैब्रिक ग्लू यूज़ करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ सेंटर में ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरीके से होल्ड करके प्रेस करेंगे और इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। अब हम अपने सेकेंड डिज़ाइन को बनाएंगे, जिसके लिए हम सिर्फ वन साइड फोल्ड कर रहे हैं रिबन का, इसे कट कर देंगे। ये सिंपल फोल्ड है। अब इसके एंड को इसी तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर देंगे, दोनों साइड कट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे ये वी का शेप आ जाएगा। फोल्ड करके कट करना इजी रहेगा। कट करने के बाद हम वापस इसको लाइटर यूज़ करके यहाँ लॉक कर देंगे इसके कटिंग पार्ट को। ये करने के बाद हम फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड डिज़ाइन की तरफ। उसके लिए हमें इसे रिबन को इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है और इस तरीके से उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है। कट करके इसके एक्स्ट्रा रिबन को हमें निकाल देना है। निकाल देने के बाद हम इसके एंड पॉइंट्स को वापस से कटिंग देंगे, वी कटिंग, और लाइटर से उसको बर्न कर देंगे इस तरीके से। अब हम फोल्ड करके इसको ग्लू लगाएंगे। पहले हम ये दो फोल्ड वाली साइड को पेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम अंदर से सेंटर में ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। 3 डिज़ाइंस ड्राई हो जाने के बाद हम इसको पेंट करेंगे। पेंटिंग के लिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, आप फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सेम पैटर्न को फॉलो करके हम अपने तीनों ब्रोचेस को पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। आप ट्राई करना है कि वाटर कलर यूज़ ना करें, नहीं तो आप ट्राई करना है कि आप पानी यूज़ बिल्कुल भी ना करें, वाटर कलर अवॉइड करें, बिकॉज ये कपड़ा है तो इस पर फैल जाएगा। अब हम इसके बैक साइड पे सेफ्टी पिन को इंसर्ट करेंगे, जो हम अपनी शर्ट और टी शर्ट के साथ अटैच करके इसको वेयर कर सकते हैं। सो हमारा इंडिपेंडेंस डे ब्रोच रेडी हो चुका है। सी गाइस, सो इजी एंड क्विक। आप सेफ्टी पिन अवॉइड भी कर सकते हैं, आप डबल टिप का यूज़ कर सकते हैं, और आप बेसिकली इसे किड्स के लिए बना रहे हैं तो आप मेक श्योर आप डबल टिप का ही यूज़ करें फॉर सेफ्टी कंसर्न। सी गाइस, 3 डिज़ाइंस फॉर इंडियन फ्लैग ब्रोच। कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।